धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. पहला सवाल था, मेरा यूथ पार्लियामेंट में यहाँ होने का उद्देश्य क्या है? विश्व के सबसे बड़े एवं सफलतम लोकतंत्र का एक युवा और जागरूक नागरिक होने के नाते मेरे एक परम कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र आज कहाँ जा रहा है और राष्ट्र को कहाँ होना चाहिए था और कहाँ अब तक पहुँच पाया है. सबसे बड़ी ये विडंबना है हिंदुस्तान की कि 68 साल आज़ाद हुए हो गए हमको और आज भी भारत के नागरिक जब रात को भूखे सोते हैं, दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है तो मेरी रूह कांप जाती है कि आज कहाँ पहुँच गए. छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको. इसराइल आप कंट्री गूगल पे सर्च करना, इतना सा कंट्री है, लेकिन उस कंट्री का सिस्टम देखो आप, उसका हेल्थ सिस्टम देखो, उसका एजुकेशन सिस्टम देखो, उसका डिफेंस सिस्टम देखो. इस वजह से मैं इस यूथ पार्लियामेंट में मैंने अपने आने का अपना कीमती समय भी निकाला. और सेकंड, ये एक नेशनल इंटरेस्ट कीमती, यार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है. सेकंड था नेशनल इंटरेस्ट. और सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट में मेरे को ये लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा. हिंदुस्तान की जो बॉर्डर है, मैं बॉर्डर एरिया से आता हूँ, जोधपुर से. अब जैसलमेर के अंदर की बॉर्डर देखता हूँ तो कई बार, मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के सारे मोमडन से जो पाकिस्तान से लगाव रखते हैं, लेकिन कुछ है जिनको मैंने देखा है, नज़दीक से देखा है. हेरोइन वगैरह पाकिस्तान से लेके आते हैं और उनको इंडिया के अंदर सप्लाई कर रहे हैं. उसमें सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम ये है कि जो बाउंड्री एरिया है हिंदुस्तान का, उसको अपन आज तक कवर कर ही नहीं पाए पूरे को. अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कंट्रोल कर लो तो पंजाब के अंदर कर, पंजाब को कंट्रोल करो तो हमारे राजस्थान के अंदर से आ जाएंगे. तो उसको सबसे बड़ा मेन डिफेक्ट मैं मानता हूँ कि आज तक अपन बाउंड्री नहीं बना पाए. इसराइल को मैंने देखा, गूगल पे सर्च किया, इसराइल की पूरी बाउंड्री फेंसिंग कर रखी, पूरी बाउंड्री. और मात्र वो एक देश ऐसा है जो यहूदी धर्म को वहाँ फॉलो कर रहा है, बाकी सारे मॉडर्न कंट्री है, लेकिन अपना वो प्रभुत्व बनाए रहा है. तो सबसे बड़ा ये है कि बाउंड्री की फेंसिंग होनी चाहिए हिंदुस्तान के लिए. और थर्ड क्वेश्चन था कि मैं पक्ष या विपक्ष में होना चाहता हूँ. मैं गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहूँगा, क्योंकि जो मैं गवर्नमेंट में रहकर कर सकता हूँ वो विपक्ष में रहकर नहीं कर सकता हूँ. मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर के लिए अप्लाई करना चाहूँगा. क्योंकि एज ए कृषि मंत्री होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनेगी कि मैं प्रत्येक नागरिक को दो समय की भोजन पहुंचा पाऊं. इसमें किसानों की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. जब मैं महाराष्ट्र का देखता हूं या मेरे राजस्थान का देखता हूं, तब किसान सुसाइड कर रहे हैं. उसका मेन रीज़न ये है कि आज तक किसानों का दोयम दर्जे का ही देखा गया है. अब खेती है जो समय बदल गया है तो घाटे का सौदा साबित हो गई है. किसान लगाता है, मेरे खुद के रिलेशन में ही है, उनको 3 लाख रुपए का इस बार नुकसान हुआ. अभी यहाँ प्याज की कीमत है दिल्ली के अंदर 20 से 22 रुपए जब मैं मार्केट में जाता हूँ, और वहाँ जाके देखता हूँ तो 3 रुपए किलो भी कोई प्याज देने को तैयार नहीं है लोग. तो ये कहीं ना कहीं अपने को मैनेज करना पड़ेगा.